बिहार त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के 9वें चरण के नामांकन का हुआ प्रारंभ। उसी क्रम में आज तीसरे दिन दरभंगा के सिंहवारा प्रखंड पर प्रत्याशियों का दिखा नामांकन को लेकर के जन सैलाब। विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रत्याशी विभिन्न पदों पर नामांकन दर्ज कराने के बाद अपने पंचायत के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आइए सीधा हम उनसे जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज के 9वें चरण में आज सिंहवारा प्रखंड में नामांकन का दौर जारी है, जहां प्रत्याशी अपने अपने पंचायतों से विभिन्न पदों पर उम्मीदवारी में नामांकन दर्ज कराने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इधर मुखिया का काउंटर लगा हुआ है, जहां पे लोग लाइन में लग करके अपने पदों पर नामांकन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको नामांकन कम्प्लीट हो, उनको रसीद हाथ में मिले। उसी के साथ साथ सरपंच का काउंटर उधर लगा हुआ है और हमारे बाईं ओर आप देख सकते हैं कि वार्ड सदस्य और पंचायत समिति का भी उस साइड में काउंटर लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के सदर प्रखंड ब्लॉक में, सिंहवारा ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पे पंचायत का चुनाव के लेकर के नामांकन का दरमियान जारी है। आप बने रहें हमारे साथ, मैं दरभंगा से सुमित कुमार झा। किस पंचायत और किस पद से नामांकन किए हैं आप मैडम? अच्छा, किस पद से? क्या नाम हुआ अपना? ठीक है। विगत 5 वर्षों में ऐसा आपके पंचायत में क्या लगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? बाकी पीछे काम नहीं हुआ था ढंग से। अच्छा, कुछ काम बताइए जो नहीं हुआ हो। अगर काम है, अगर आप जीत के आते हैं तो जैसे सड़क, नली, गला, क्या सब मतलब दीजिएगा, प्राथमिकता होगी? यहाँ रोड है, नली नाला का जो भी काम है, जो काम आएगा वो करेंगे। सरकार की योजनाओं को, जिस तरह से पिछली बार आप कहे काम नहीं हुआ, मतलब लूट हुआ, तो आप भी लूट करेंगे? जी नहीं, लूट नहीं करेंगे। कौन कैंडिडेट का क्या नाम है? कैंडिडेट का सोनी देवी। जनता से क्या कहिएगा, क्या अपील कीजिएगा, वोट के दे आपको, क्यों दे? क्यों दे, काम करवाने का इच्छुक जो होगा, जो जनता अपने आप खुद चुन लेंगे, जो हमें अच्छा है उसको हम वोट दिए। पंचायत सरभरा हुआ। किस पद और किस पंचायत से नामांकन किए हैं आप? क्या नाम है अपना? विगत 5 वर्ष आपने मुखिया के रूप में अपनी माताजी का कार्यकाल देखा है, और जनताओं से किस काम के प्रति आप अपील करेंगे कि इस बार आपको वोट दें? देखिए, आपको पहले धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों को भी शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहते हूँ कि मुझे 5 साल ने विगत 10 साल से हमारी माँ को अपने सेवक के रूप में चुना और मुझे अपना सेवा करने का अवसर माँ के प्रतिनिधि के रूप में मुझे दिया, और हम लोगों ने समाज में रहकर समाज से मिलकर काम करने का काम किया है ना। हर आपदा के समय, मुसीबत के समय हम लोगों ने काम किया है। कुछ काम रह गई है जो समाज जान रही है, उसको पूरा करना है, और हम काम किए हैं, हम काम करेंगे। किन किन कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे हम लोग? ठीक है, अभी हमारे नज़र में इस बार जो मौसम खराब हुआ था, बहुत बारिश का जो हम लोगों को सामना करना पड़ा, हमारे मेरे लाइफ में पहली बार ये बारिश को, हम लोगों को इतना बारिश को देखना पड़ा। जो जल जमाव की समस्या है, हम अपने पंचायत में जल जमाव की समस्या को दूर करना, ये हमारी पहला। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट दरभंगा से।